अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल एक्नॉलेजिंग नॉलेज में खुश आमदीद। एक्नॉलेजिंग नॉलेज हमारी करंट इश्यूज़ की सीरीज़ में आज हम कोरोना वायरस के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों कोरोना वायरसेस वायरसेस की पूरी फैमिली है और इन्हीं वायरसेस की फैमिली से बहुत सारे मर्ज फैलते हैं जिनमें सार्स मर्ज और कोविड-19 शामिल है। दोस्तों इसको कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल क्राउन की तरह दिखती है और इसी से लफ्ज कोरोना निकला है, जबकि इसको मेडिकल जुबान में कोविड-19 कहा जाता है। दोस्तों कोविड-19 या कोरोना वायरस एक रिस्पायरेटरी मर्ज है जो कि सांस की नालियों से जिस्म में मुंतकिल होता है। दोस्तों आज तक दुनिया में कोरोना वायरसेस से तीन तरह के मर्ज इंसानों में फैल चुके हैं जिनमें सार्स मर्ज और कोविड-19 जैसे मर्ज शामिल है। कोरोना वायरस ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है। इन जानवरों में ऊंट बिल्लियां चमगादड़ें और कुत्ते शामिल हैं। इंसानों में इनका फैलना बिल्कुल रेयर है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों मर्ज जो कि तीन मुख्तलिफ कोरोना वायरसेस से फैले असल में जानवरों ही से इंसानों में दाखिल हुए। सार्स चाइना में ही 2002 में फैला और फिर दुनिया भर में फैल गया जो कि ज़्यादातर बिल्लियों में पाया जाता है। इससे होने वाली हलाकतों की तादाद 800 थी जबकि पूरी दुनिया में सार्स के 8000 केसेस रजिस्टर हुए। इसी तरह 2012 में मर्स सऊदी अरब में फैला। मर्स ऊंटों में पाया जाता है और ऊंटों से ही इंसानों में फैला। मर्स से होने वाली हलाकतों की तादाद 850 थी और अब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोविड-19 असल में चमगादड़ों में आम मर्ज है और ये चमगादड़ों से ही इंसानों में फैला है। चाइना की सिटी वुहान में 80% लोग जंगली जानवर खाते हैं जिनमें सांप मगरमच्छ कुत्ते जंगली सुअर चमगादड़ बिल्लियां शामिल हैं। इसी शहर में रहने वाले एक नौजवान का ब्लॉग जो कि गूगल पर वायरल हुआ उसमें इसका कहना था कि हमारे शहर में जंगली जानवर खाने वालों में ज़्यादातर की तादाद बूढ़े लोगों की है जो कि अपनी जहालत की वजह से जंगली जानवर खाते हैं। हैरत की बात यह है कि जंगली जानवर सिर्फ चाइना में ही नहीं खाए जाते बल्कि अमरीका समेत पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद वाइल्ड एनिमल मार्केट्स ज़्यादा बेहतर हालत में हैं। लेकिन चाइना में तो जख्मी जानवर को भी बेच दिया जाता है, उसका मुआयना तक भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों की खरीदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई इस पर नज़रसानी भी नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान में गोश्त की खरीदारी ज़्यादा होने की वजह से बगैर मुआयने के ही जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है। दोस्तों दुनिया में मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरसेस के मजमूई केसेस की तादाद, दोस्तों कोरोना वायरस 6 फीट की दूरी से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में बजरिया लिक्विड ड्रॉपलेट्स ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोरोना वायरस हमारे जिस्म को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों दरहकीकत ये वायरस हमारे लंग्स के एपिथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। एपिथेलियल सेल्स जो कि हमारी सांस की नालियों को हवा में मौजूद ख़तरनाक डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं, ये वायरस इन सेल्स को नुकसान पहुंचाकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस तरह डैमेज करता है कि वो सांस लेते वक्त हवा में मौजूद मोहलिक ज़र्रात के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है जो कि आखिर में नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इसमें बहुत ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि हमें ख़बरों के ज़रिए बहुत से ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो कि कम उम्र में कोरोना वायरस की वजह से मर गए। ऐसी खबरें हमारे लिए
परेशानी का सबब बनती हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि ऐसे अफराद जो कि किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, जैसा कि कैंसर वगैरह, ऐसे अफराद का इम्यून सिस्टम, जिसे हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, वो पहले ही से उस बीमारी के खिलाफ लड़ने की वजह से कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए ऐसे अफराद इस मर्ज़ का मुकाबला मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो वो इस बीमारी के खिलाफ जंग जीत सकता है, जिसका वाज़े सबूत ये है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद रिकवर होने वालों की तादाद से बहुत कम है। दोस्तों, चूँकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन आम नहीं हुई, इसलिए इससे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए ही बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर में कुछ इंडिविजुअल एक्ट्स हैं जो कि हम करके अपने आप को इस वबा से बचा सकते हैं। मसलन हाथों को अच्छी तरह धोना, बार बार धोना, मुंह को धोना, कुल्ली करना और मास्क पहनना। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो हमें सोसाइटी या इलाकाई लिहाज से करने चाहिए। मिसाल के तौर पर क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी या आपके इलाके में कोई गैदरिंग, कोई शादी, कोई महफिल मुनक्किद हो रही है तो आपको चाहिए कि उस गैदरिंग को होने से रोकें। इसके अलावा कुछ ऐसे इकदाम हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट को कौमी सतह पर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल्स को वेल मेंटेन्ड करना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के लिए अलग-अलग से आइसोलेटेड रूम्स या आइसोलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां पे वो मरीजों का प्रॉपर इलाज हो सके। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में आलात का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मालूम हो सके कि किसी शख्स को कोरोना वायरस है या नहीं। पैरामेडिक स्टाफ का भी वेल क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस मर्ज को जल्दी भाम सके। इसमें एक बात जो सबसे अहम है और हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो ये है कि किसी भी कोरोना वायरस के मरीज को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जंग वक्त से पहले ही ना हार जाए। इसके अलावा हमें एड्स या आगाही मुहिम भी चलानी चाहिए, जिसके ज़रिए आम लोगों तक भी कोरोना वायरस के मुतालिक एहतियाती तदाबीर पहुँच सके। इसमें हमारी मीडिया को या किसी भी मुल्क की मीडिया को बहुत सा मुस्बत करदार अदा करना होगा। उसको चाहिए कि वो कोरोना वायरस के मुतालिक नशिस्त मुनक्कद करे, जिसमें ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से रिलेटेड या इसकी नॉलेज रखने वाले लोग बैठे और लोगों को आगाही फराहम करें। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री को उठाने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि फलां मुल्क ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली, तो उस मुल्क पर लाजिम है कि उस वैक्सीन को अपने मुल्क में आम करके बाकी ममालिक में भी सप्लाई करें, ताकि उस ममालिक में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों को जल्द सेहतयाब कर सके। इसके अलावा अगर किसी मुल्क के पास टेस्टिंग किट्स, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं, तो उसको चाहिए कि वो किट्स उन ममालिक को सप्लाई करें जो कि इन किट्स को नहीं खरीद सकते। इसके अलावा हर मुल्क को चाहिए कि वो अपने सरहदी और आसमानी दोनों रابطے तोड़ दें, क्योंकि कोरोना वायरस से बेहतरीन बचाव आइसोलेशन, ख्वाह वो इंसानी या इंडिविजुअल तौर पर हो या फिर इंटरनेशनली हो। दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई गई। कुछ ममालिक इसके इफेक्टिव वैक्सीन बनाने के दावेदार हैं, लेकिन ये वैक्सीन अभी तक आम नहीं हुई। फिलहाल एहतियाती तदाबीर ही इस्तेमाल करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस को जो चीज़ सबसे खतरनाक बनाती है वो इसका तेजी से फैलाव है। ये एक इंसान से मजीद 3 इंसानों में फैल सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो कोरोना वायरस भी आपके लिए एक नॉर्मल मर्ज है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक और मजीद शेयर कीजिए।